देख सकते हो अभी मैं आया हूँ यहाँ पे सिटी में और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे भीड़ में मैं जाना नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं आप लोग के लिए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे भाई लोग बहुत से जॉब करते हैं यहाँ पे आते हैं घूमने वगैरह के लिए। लेकिन यहाँ पे आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आप लोग देख सकते हो और यहाँ पे छुट्टी का दिन है तो यहाँ पे बहुत से भाई हमारे आते हैं। जैसे कि अगर आप लोग की छुट्टी रहती है जुम्मे के दिन जितने भी हमारे भाई लोग आते हैं इंडिया में काम इंडिया से कोई काम करने के लिए उनकी छुट्टी मिलती है लेकिन यहाँ पे वो लोग ज़्यादातर नहीं आ पाते क्योंकि उनकी छुट्टी हफ्ता में नहीं मिलती है कभी कभी तो दो हफ्ता मिलती है। लेकिन आज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा काफ़ी ज़्यादा भीड़ है मुझे समझ नहीं आ रहा है और यहाँ पे देख सकते हो पुलिस वगैरह भी चल रही है तो थोड़ा डर भी लग रहा है वीडियो बनाने के चक्कर में कहीं पकड़े ना जाएं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे और ये सिटी है इसको बोलते हैं मालिया और यहाँ पे देख सकते हो बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं छुट्टी में घूमने के लिए अपने दोस्त यार को मिलने के लिए। जैसे कि अगर भाई आप लोग कुवैत में आओगे ना आपका यहाँ पे कोई नहीं रहेगा आपके दोस्त यार वही रहेंगे जैसे कि आपके कोई रिलेटिव हो गए आपके फैमिली वगैरह हो गए। तो हमारे भाई लोग बहुत से आते हैं सोचते हैं कि अगर हम हफ्ता में छुट्टी पाते हैं कम से कम उनके पास जाएं वहाँ पे उन्हें जैसे कि सिटी वगैरह में जाते हैं ना उनके रिश्तेदार वगैरह आते हैं जैसे कि कोई बोलता हमारी खाले लड़का है हमारा चाचा लड़का है तो वो लोग मिलने के लिए जाते हैं बस यही रहता है। तो इसी तरह यहाँ पे लोग मिलने के लिए आते हैं आप लोग देख सकते हो और यहाँ पे अभी रात हो चुकी है रात के में लगभग बज रहे हैं 6:30 या 7 बज रहे हैं तो मैं अभी घड़ी देख नहीं रहा हूँ क्योंकि मोबाइल में है और देख सकते हो कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है और यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ भी रहती हैं तो कंट्रोल करने के लिए क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा लफड़ा वगैरह ना हो पाए इस वजह से यहाँ पे पुलिस की गाड़ी रहती है जुम्मे के दिन खास तौर से। यहाँ पे जुम्मे के दिन पुलिस की गाड़ियों को ज़्यादातर तैनात कर दिया जाता है ताकि किसी भी बंदे को कोई प्रॉब्लम ना हो सके चोरी वगैरह ना हो सके किसी बंदे को या किसी लड़की वगैरह कोई भी तरह का किस कोई प्रॉब्लम ना हो सके। आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे बिल्डिंग भी होती है और किस तरीके से यहाँ पे लोग काम भी करते हैं और यहाँ पे यार बहुत से लोग हैं जो जॉब करते हैं जो काम करते हैं और यहाँ पे छुट्टी के दिन आते हैं और यहाँ पे बगल में राइट साइड में KPTC का स्टाफ है और यहाँ पे बोलते हैं ना KFC भी है जैसे कि अगर आप लोग कुवैत में आओगे ना आपको पता चल जाएगा KFC क्या होता है। हो सकता है हमारे इंडिया में भी है लेकिन हमारे भाई लोग बहुत ही कम खाते हैं KFC का खाना अगर आप लोग कुवैत में आओगे ना आप लोग को पता चलेगा। और यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज़्यादा लेडीज़ वगैरह भी आती हैं हमारे भाई लोग यहाँ पे लेडीज़ वगैरह भी रखते हैं जैसे कि फैमिली वगैरह में वो लोग शादी वगैरह कर लेते हैं बहुत से लोग होते हैं जो कि इंडिया वगैरह से लाते हैं तो आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर बस का स्टाफ भी है आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ और यहाँ पे पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हुई है लेफ्ट साइड में सामने आप लोग देख सकते हो फ्रंट हो जो कि बस के बीच में वहाँ पे लाइट जल रही है इसका मतलब वहाँ पे पुलिस की गाड़ी है आप लोग देख सकते हो। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे लोग कैसे रहते थे यानी कि कैसे यहाँ पे घूमने आए थे और यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ हो चुकी थी और जब मैं वहां पे घूमने गया तो मेरे पास थोड़ा भी टाइम नहीं था कि आप लोग को मैं यानी कि अच्छे से ब्लॉग बना पाऊं लेकिन मैंने जो बनाया हो सकता है काफी अच्छा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता देना कि भाई आपने पहली बार कैसा ब्लॉग बनाया है। अगर आप लोग मेरे को कमेंट करोगे ना मुझे कमेंट करोगे ना मैं फिर दोबारा इसी तरह भीड़ वगैरह में जाऊंगा ब्लॉग बनाऊंगा लेकिन यार मुझे कुछ प्रॉब्लम होती क्योंकि वहां पे ब्लॉगिंग करना कुछ डर सा महसूस लगता है कुछ डर सा भी लगता है क्योंकि अगर भाई आप लोग कुवैत में आ रहे हो काम करने के लिए तो भाई हम लोग यहाँ पे जॉब करते हैं क्योंकि अगर हम लोग जॉब करेंगे ना हमारी फिक्र रहेगी हमेशा पैसे पे यहाँ पे हमको कोई नुकसान ना हो जाए यहाँ तक कि सब बंदे सोचते हैं। जैसे कि मैं अभी जा रहा हूँ पब्लिक में ब्लॉग बनाने के लिए और पब्लिक में जा रहा हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए तो मुझे डर तो लगेगा भाई कोई बंदा मुझे पकड़ ना ले सिक्योरिटी ना पकड़ ले पुलिस ना पकड़ ले कि आप ये क्या बना रहे हो वीडियो लेकर क्या बना रहे हो आप मोबाइल में क्या बना रहे हो ऐसे ऐसे करके क्या पागल सा बना रहे हो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो तो भाई काफी तरह का डर होता है क्योंकि जो डर होता है ना मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि हम लोग कंपनी में जॉब करते हैं घर में जॉब करते हैं यहाँ पे मजरा में काम करते हैं बहुत से भाई लोग ऐसे होते हैं अगर अचानक वो लोग कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं ना हो सकता है उनको डर लगे ही कहीं हमको पुलिस ना पकड़ के जेल में डाल दे हमारी रोजी रोटी ये इसके चक्कर में चली न जाए। तो भाई मैं उसी कैटेगरी में भी आ रहा हूँ और मैंने बस आप लोग को एक ब्लॉग के द्वारा दिखाया कि यहाँ पे किस तरीके से लोग भीड़ में एकदम यानी कि लोग जाते रहते हैं भीड़ में बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है वहां पे। अगर आप लोग कोई सिटी में आओगे यहाँ तक कि सालिमिया हो गया फाइल हो गया और मालिया हो गया और भी बड़ी बड़ी यहाँ पे यानी सिटी हैं जैसे कि कुवैत में तो अगर आप लोग वहां पे जा रहे हो आप लोग प्लीज यार अपने आप को टेक केयर करना आप लोग कभी भी किसी भी तरह गलती मत करना क्योंकि अगर आप लोग वीडियो बनाओगे ना हो सकता है पुलिस आपको पकड़ ले। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं भीड़ में गया था मैंने वीडियो बनाई और काफी ज्यादा पुलिस थे लेकिन मेरे अंदर से एक यानी कि बोलते हैं ना वो आया जैसे कि जुनून आया कि कुछ आज नया करते हैं मैंने आप लोग को कुछ नया दिखाया जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही दिखाया था कि जॉब से रिलेटेड हर वीडियो में बताता रहता हूं लेकिन आज जो मेरी वीडियो थी कुछ नई थी और मैंने कुछ अपने अंदर के डर को दूर किया भीड़ में जाकर और भीड़ में जाकर मैं जब देखा कि यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं भेड़ बकरियों की तरह यहाँ पे लोग घूम रहे हैं और उसमें हम डरेंगे तो भाई कैसे वीडियो बना पाएंगे। बस मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया कि कुवैत में लोग कैसे रहते हैं फिलीपीन के लोग इंडिया के लोग और भी तरह के लोग रहते हैं और छुट्टी के दिन ये लोग काफी ज्यादा भीड़ वगैरह रहती है यहाँ पे और यहाँ पे हमारे भाई लोग जो पैसा वगैरह कमाते हैं
वो लोग आते हैं यहाँ पे खर्चा करती हैं, जैसे कि अगर किसी बंदे की सैलरी है 300 दिनार 400 दिनार। और यहाँ पे मैं ये भी देखता हूँ कि लोग अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह लेकर आते हैं यहाँ पे घूमते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के थ्रू देखा है यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ थी। और वहां पे जाना यानी कि अंदर भीड़ के जाना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है हमारा पर्स चोरी हो जाए, हो सकता है मोबाइल चोरी हो जाए, लेकिन मैंने काफी ज्यादा टेक केयर करते हुए वहां पे मैं गया और मैंने आप तक की वीडियो दिखाई। जैसा कि आप लोग देख सकते थे यार, वहां पे काफी लोग थे और बहुत ही ज्यादा लोग थे यार वहां पे, और लगभग लाखों में संख्या थी। अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे ना भाई, आप लोग एक बार कमेंट कर देना कि भाई ये वीडियो अच्छी थी और दोबारा इसी तरह की वीडियो बनाइए, तो मैं हो सकता है दोबारा एक वीडियो लेकर आऊं। तो चलिए आज वीडियो को यहीं पे अलविदा कहना चाहता हूं, वीडियो को लंबे नहीं करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते थे छोटी सी वीडियो थी, जैसा कि ब्लॉग था और आज मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैं सॉरी बोलना चाहता हूं, आप लोग से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं। बस मैंने आज कुछ नया ट्राई किया, आप लोग एक बार कमेंट कर देना, हो सकता है लाइक भले मत करना लेकिन एक बार कमेंट कर देना कि भाई आज की वीडियो कैसी थी। अगर आज की वीडियो अच्छी थी और एक बार आप कमेंट कर देना भाई इसी तरह की वीडियो बीच बीच में डाला कीजिए, तो मैं ये भी ट्राई करूंगा। तो चलिए आज वीडियो कहीं पर लगता है।